गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मॉडर्न विद्या मंदिर स्कूल 9th क्लास और हिंदी व्याकरण सब्जेक्ट है और फर्स्ट चैप्टर है इसमें और टॉपिक है हमारा वर्ण प्रकरण। तो इसमें हम वर्णों के बारे में पढ़ेंगे। तो आज हम वर्णों के बारे में जानेंगे कि क्या होते हैं, किस टाइप के होते हैं, कितने प्रकार होते हैं। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, वर्ण किसे कहते हैं? साधारण उत्तर दीजिए। तो इसका उत्तर है, भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। दूसरे शब्दों में उस छोटी से छोटी ध्वनि को वर्ण कहते हैं जिसके आगे टुकड़े ना किए जा सकें, यानी अ, ई, री, क, ख, ड आदि। जैसा कि आप जानते हो कि वर्ण वो इकाई है जिसके और अधिक टुकड़े नहीं किए जा सकते, यानी वो छोटी से छोटी इकाई होती है। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं, यानी जब सभी वर्ण एक समूह में यानी एक ऑर्डर में लिखे जाते हैं तो उनको वर्णमाला कहते हैं। जैसे कि हिंदी वर्णमाला में 40 वर्ण हैं। हिंदी की वर्णमाला को मुख्यतः स्वर और व्यंजन दो भागों में बांटा गया है और हिंदी की वर्णमाला निम्नलिखित है। तो बच्चों, आपको तो पता ही है कि हिंदी वर्णमाला क्या है, उसमें स्वर होते हैं और व्यंजन होते हैं। वो सब क्या होते हैं? वर्ण होते हैं। स्वर जैसे कि आपको पता है अ, आ, ई, ई, उसके बाद व्यंजन होते हैं क, ख, ग, घ, और इससे लेके स, श, ह तक, ये सारे हमारे व्यंजन होते हैं। तो ये सारे क्या होते हैं? हमारे वर्ण होते हैं। और हिंदी वर्णमाला के 40 अक्षर संस्कृत भाषा से आए हैं जिनमें 13 स्वर हैं और शेष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त व्यंजनों से क्या अभिप्राय है? साधारण उत्तर दीजिए। जो व्यंजन एक से अधिक व्यंजनों के योग से बनते हैं उन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जैसे कि आपको पता है क्ष, त, ज्ञ और श, ये दो व्यंजनों के योग से बने हैं। जैसे क्ष है क और श से बना है, क के नीचे हलंत है। त, त और द से बना है। ज्ञ, ज और न से बना है। और श है वो श और द से बना है। तो जो दो व्यंजनों के मिल से बने होते हैं वो हमारे क्या होते हैं? संयुक्त व्यंजन। इसके बाद आगे हैं वर्णों के भेद। तो वर्ण के कितने भेद होते हैं? साधारण उत्तर दीजिए। तो इसका उत्तर है, वर्ण के दो भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। जैसा कि हमें पता है स्वर हमारे अ, अ, ई, उ, ऋषि होते हैं और व्यंजन हमारे क, ख, प, फ इत्यादि। नेक्स्ट है हमारा, स्वर किसे कहते हैं? साधारण उत्तर दीजिए। वह वर्ण जो बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता से बोला जाए उसे स्वर कहते हैं। यानी कि किसी अन्य वर्ण की सहायता के बिना बोला जाता है और जो स्वतंत्र होता है उसे हम स्वर कहते हैं। इसके लिए हमें किसी अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं होती। मात्रा के अनुसार स्वरों के तीन भेद हैं, ह्रस्व, दीर्घ और लुट स्वर। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उच्चारण की दृष्टि से स्वरों को कितने भागों में बांटा जा सकता है? उत्तर है इसका, उच्चारण के अनुसार स्वरों के निम्नलिखित दो भेद हैं। फर्स्ट है सानुनासिक और दूसरा है निरनुनासिक। फर्स्ट है इसका सानुनासिक, जिसका उच्चारण मुख और नासिका से होता है वो सानुनासिक स्वर कहलाते हैं। जैसे बांटना, हंसना, दांत, इनके ऊपर चंद्रबिंदु लगी हुई है, तो जिनके ऊपर भी चंद्रबिंदु होती है उसमें मुख और नासिका यानी मुंह और नाक दोनों का प्रयोग होता है, तो इसलिए ये सानुनासिक है। और उसके अलावा जैसे सेकेंड है हमारा निरनुनासिक, जिनका उच्चारण केवल मुख से होता है यानी जिसमें नासिका का या नाक का प्रयोग नहीं होता है, वो होते हैं निरनुनासिक स्वर, जैसे कौन, दीन इत्यादि। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अनुस्वार और अनुनासिक किसे कहते हैं? साधारण उत्तर दीजिए। उत्तर है इसका, अनुनासिक के उच्चारण में हवा नाक और मुख दोनों से निकलती है, यानी कि जिसमें मुंह और नाक दोनों से हवा निकले और दोनों का प्रयोग हो वो अनुनासिक होते हैं। और अनुस्वार में क्या होता है? अनुस्वार के उच्चारण में हवा केवल नाक से निकलती है यानी सिर्फ नाक का प्रयोग होता है, वो हमारे अनुनासिक होते हैं, जिसके उच्चारण में बल भी अधिक लगता है। जो हमारे अनुस्वार होते हैं उसमें बल भी अधिक लगता है। अनुनासिक व्यंजन है हमारे, अनुनासिक जो होते हैं वो व्यंजन ध्वनि मानी जाती है जबकि अनुस्वार स्वर माने जाते हैं। अनुस्वार का चिन्ह ऊपर बिंदु है और अनुनासिक का चिन्ह चंद्र बिंदु है। तो जैसे कि अनुस्वार में गंगा, बंगाल, संधि, संभावना आदि आते हैं। इसमें क्या है? एक बिंदी है। और जबकि अनुनासिक में क्या है? मुंह, हंसी, बांटना, दांत, इसमें क्या हो रहा है? मुख और नासिका दोनों का प्रयोग हो रहा है और इसमें चंद्र बिंदु है। तो ये हमारे अनुनासिक होते हैं। इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
मात्रा से क्या अभिप्राय है? सभी स्वरों के मात्रा रूप बताइए। इसका उत्तर है, जब किसी स्वर को व्यंजन के साथ जोड़ा जाता है तो स्वर के स्थान पर उसका जो चिन्ह लगाया जाता है उसे मात्रा कहते हैं। स्वरों की मात्राएं निम्नलिखित हैं, जैसे कि आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, आपको पता ही है कि हमारे पास मात्रा होती है, छोटे आ की मात्रा होती है, बड़े आ की मात्रा होती है, एक छोटी की मात्रा होती है, बड़ी ई की होती है, छोटे ओ की, बड़े ओ की, ये सब क्या होती है? स्वर की मात्राएं, स्वर के चिन्ह होते हैं। जब इन चिन्हों को हम व्यंजन के साथ लगाते हैं तो ये क्या बन जाती है? हमारी मात्राएं, ये स्वरों के चिन्ह होते हैं। तो जैसे कि इधर आपके लिए एग्जांपल दिया हुआ है, री ऋषि में, री ऋषि की मात्रा कृपा में क्री के नीचे आई है, और ए की मात्रा, जैसे ए, ए की मात्रा देश में, इसको व्यंजन के साथ जोड़ा गया है तो द के साथ ऊपर ए की मात्रा लगाने से देश बन गया, और इसी तरह से बाकी के और उदाहरण है। इसके अलावा नेक्स्ट है, व्यंजन किसे कहते हैं, उसके कितने भेद हैं? इसका उत्तर है, जो वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें व्यंजन कहते हैं, ये स्वरों की सहायता के बिना नहीं बोले जा सकते। इनके उच्चारण में वायु रुकावट के साथ बाहर आती है, जैसे क जमा अ क, क के नीचे हलंत है, प्लस अ बराबर क। यदि नियम सभी व्यंजनों पर लागू, यही नियम सभी व्यंजनों पर लागू होता है, बिना स्वर के योग के सभी वर्णों के नीचे हलंत लगता है, जैसे क ख ग ट, इनके सबके नीचे हलंत लगा हुआ है, और जब ये किसी स्वर के साथ जोड़े जाएंगे तभी ये व्यंजन बनेंगे। उच्चारण के अनुसार व्यंजनों के तीन भेद होते हैं, स्पर्श, अंतस्थ और उष्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द और री में क्या अंतर है, व्यंजनों के साथ वर लगाने के कौन से नियम है? तो बच्चों, आप जैसे कि शुरू से ही पढ़ते आ रहे हो कि द और री की मात्रा जो होती है व्यंजनों के साथ कई प्रकार से लगाई जाती हैं, तो उसमें यही सब, इसको इसमें यही सब बताना है। इसका उत्तर है, र व्यंजन है और री स्वर है। तो आपको पता ही है, र क्या है? व्यंजन है, और री एक स्वर है। हिंदी में री और री के उच्चारण में काफी समानता प्रतीत होती है, जैसे हम द के साथ ई की मात्रा लगा दें और री ऋषि को लगाएं तो दोनों बोलने में एक जैसे लगते हैं, लेकिन लिखने में दोनों काफी अलग होते हैं। व्यंजनों के साथ र लगाने के कुछ नियम होते हैं जो निम्नलिखित हैं। इसमें फर्स्ट है आपका, यदि र से पूर्व कोई स्वर रहित व्यंजन अर्थात हलंत वाला व्यंजन हो तो र व्यंजन के नीचे आकर जुड़ जाता है। यानी अगर कोई भी ऐसा व्यंजन हो जो जो हलंत हो और जो व्यंजन से अलग हो तो उसमें मात्रा नीचे आ जाती है, जैसे क जमा र बराबर क, तो क बन गया तो ये मात्रा नीचे आई है, आपने देखा गा नीचे आया है तो क्रम बन गया। सेकंड एग्जांपल है इसका, जैसे म और र, तो इसमें भी र नीचे आया है तो ताम्र बन गया। ऐसे ही इसके और उदाहरण हैं। किंतु र से पूर्व यदि कोई ट व का व्यंजन स्वर सहित हलंत हो तो इसका प्रयोग इस तरह किया जाएगा, जैसे ट वर्ग आपको पता है, ट ठ ड ढ ण। अगर ट वर्ग का कोई भी व्यंजन आपके पास आता है तो उसमें मात्रा क्या होगी? ऐसे होगी, आपने देखा है जैसे ट प्लस र, तो ट्रक, ट्रक के नीचे इस प्रकार की मात्रा होगी। इसी प्रकार और उदाहरण है, जैसे ड और र ड्रामा, तो इन दोनों में र का प्रयोग इस तरह से होगा। और इसके अलावा नेक्स्ट है, यदि स्वर रहित व अन्य वर्णों से पहले आए तो अपने से अगले व्यंजन के ऊपर शिरोरेखा के ऊपर लगाया जाता है। अब बच्चों, जैसे आपने देखा है कई बार र ऊपर भी लगाया जाता है, तो वो कैसे लगाया जाता है? ध प्लस र प्लस म, तो धर्म, इसमें क्या होगा? ऊपर लगाया जाएगा, र ऊपर लगाया हुआ है। ऐसे ही पूर्व है, पू जमा र जमा व, तो ऊपर व के ऊपर र लगाया गया है, तो इसमें ऊपर र लगाते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट है, यदि र के साथ ई या ई की मात्रा लगी हो तो इसे मात्रा को के बाद जोड़कर लिखा जाता है, जैसे द के साथ अगर हमने ई की मात्रा भी लगानी है तो इसको मात्रा लगाने के बाद लिखना होगा, जिसमें जैसे आपके लिए उदाहरण दिए गए कर्मी फूर्ती, इसमें पहले मात्रा लगाई गई है उसके बाद द लगाया गया है, और इसके और भी उदाहरण है। और इसके बाद नेक्स्ट है आपका, यदि र संयुक्त अक्षर के साथ आए तो र को संयुक्ताक्षर के अंतिम वर्ण पर लगाया जाता है, जैसे कि मत्र, जैसे म आधा त और य के ऊपर आएगी, आएगा गा। इस तरह और एग्जांपल है हमारे पास। नेक्स्ट कुछ और क्वेश्चन आंसर है इंपॉर्टेंट हमारे पास।
इसमें फर्स्ट प्रश्न है हमारा, वर्ण किसे कहते हैं? हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ण हैं? इनको हम कितने भागों में बांट सकते हैं? तो वर्ण क्या होता है, जैसे मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, भाषा की लघुतम इकाई को वर्ण कहते हैं, यानी सबसे छोटी से छोटी जो इकाई होती है भाषा की वो वर्ण होती है, और उसके और अधिक टुकड़े नहीं किए जा सकते, यानी वो सबसे छोटी इकाई होती है और उसे और अधिक टुकड़ों में नहीं बांटा जा सकता, और उसे वर्ण कहते हैं। जैसे आ, ई, क, ख, ये हमारे सब क्या हैं? वर्ण है, और इनके और अधिक टुकड़े नहीं किए जा सकते। जैसे हिंदी भाषा में 40 वर्ण होते हैं, वर्ण को हम दो भागों में बांट सकते हैं, स्वर और व्यंजन। टोटल आपको पता है कि 40 वर्ण होते हैं, जिसमें हमारे आ, ई, स्वर होते हैं वो होते हैं, और बाकी क, ख, ग, घ जो होते हैं हमारे वो व्यंजन होते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, स्वर किसे कहते हैं? मात्रा के अनुसार ये कितने प्रकार के हैं? तो उत्तर है, वह वर्ण जो अन्य वर्ण की सहायता से बोला जाता है उसे स्वर कहते हैं। मात्रा के आधार पर इन्हें तीन भागों में बांटा गया है। फर्स्ट है ह्रस्व स्वर, सेकंड है दीर्घ स्वर, और थर्ड है प्लुत स्वर, यानी व्यंजन वो, यानी वो स्वर जो वर्ण की सहायता से बोले जाते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट है, ह्रस्व स्वर स्वर किसे कहते हैं? इसका उत्तर है, जिस स्वर के उच्चारण में थोड़ा अथवा एक मात्रा का समय लगे उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। तो जैसे जिसमें जो हम बोलते हैं अ, ई, उ, जिनमें थोड़ा समय लग रहा है वो हमारे क्या होते हैं? ह्रस्व स्वर होते हैं। इन्हें मात्रिक स्वर भी कहा जाता है, और हिंदी में हमारे ये चार ही हैं, अ, ई, उ, ऋषि। तो आपने देखा इनको बोलने में बहुत कम समय लगता है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दीर्घ स्वर किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर है, जिस स्वर के उच्चारण में ह्रस्व से दुगना समय लगे उसे दीर्घ स्वर कहते हैं, और ये सात होते हैं, जैसे आ, ई, उ, ए, ए, ओ, ओ। तो जैसे आपने सुना इनको बोलने में ज्यादा वक्त लगता है, यानी ज्यादा समय लगता है, तो इसलिए इन्हें दीर्घ स्वर कहा जाता है, और इन्हें द्विमात्रिक स्वर भी कहा जाता है, यानी जिनमें कम समय लगे वो ह्रस्व स्वर या मात्रिक, और जिनमें ज्यादा लगे वो दीर्घ स्वर या द्विमात्रिक स्वर होते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, प्लुत स्वरों की परिभाषा देते हुए उदाहरण भी लिखें। इसका उत्तर है, चिल्लाते या पुकारते समय जब किसी स्वर के उच्चारण में तीन गुना समय लगे तो वह स्वर प्लुत स्वर कहलाता है, जैसे कि ओम, हे राम। तो इसमें देखा कि आपने तीन गुना समय लग रहा है, यानी बहुत ज्यादा समय लग रहा है, ओम या हे राम, तो इस तरह से इसको प्लुत स्वर कहा जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, हिंदी में दीर्घ स्वरों का क्या महत्व है? उदाहरण स्पष्ट करें। तो हिंदी में दीर्घ स्वरों का बहुत महत्व है, ये शब्द के अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। जैसे कि हमारा ह्रस्व स्वर है कल, और इसमें अगर हम कोई इसको दीर्घ बनाएंगे तो काल हो जाएगा, तो काल होने के बाद दोनों के अर्थ में भी परिवर्तन हो जाएगा, जैसे कल का अर्थ कुछ और होगा और काल का कुछ और होगा। ऐसे ही अगर हम जाती है, उसमें छोटी की मात्रा है, वो ह्रस्व स्वर है क्योंकि उसमें कम समय लगा हुआ है, और हम उसमें बड़ी की मात्रा लगा देते हैं तो वो जाति बन जाएगा, तो दोनों के अर्थ में भी परिवर्तन आ जाएगा, इसलिए दोनों में अर्थ में भी परिवर्तन आ जाता है, इसलिए इनका बहुत महत्व होता है। और एक जैसे इसके अलावा और एग्जांपल हैं जो आप देख सकते हो, और नीचे अंग्रेजी के जैसे डॉक्टर, कॉलेज, बॉल आदि शब्दों में आपने देखा हो कि इनके ऊपर डॉक्टर, कॉलेज और बॉल में ना तो आ की मात्रा होती है ना ओ की होती है, इसमें कुछ अलग ही होता है, या ना इसमें आ और ओ के बीच की ध्वनि, यानी आ ओ ध्वनियों के मध्यवर्ती दीर्घ स्वर ओ का उच्चारण होता है, और हिंदी के इन दीर्घ स्वरों को इससे भिन्न लिखने और बोलने के कारण इसका प्रचलन हो गया, यानी इसमें आ और ओ के मध्यवर्ती ओ का उच्चारण होता है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, अनुस्वार और अनुनासिक में क्या अंतर है? तो उत्तर है, अनुस्वार के उच्चारण में वायु केवल नाक से निकलती है, तथा अनुनासिका के उच्चारण में वायु नाक और मुख दोनों से निकलती है। तो जैसे कि इसके नाम से पता चल रहा है, अनुस्वार में केवल मुख नाक से वायु निकलेगी, और अनुनासिक में मुख और नाक दोनों से निकलेगी। जैसे कि अनुस्वार में मैंने बताया था एक बिंदी होती है कंगन, गंगा, ये, और उसके बाद अनुनासिक में दांत, चांद, इसमें चंद्र बिंदु होते हैं, तो इसमें दोनों का प्रयोग होता है।
इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्यंजन किसे कहते हैं? उच्चारण के विचार से इसके कितने भेद हैं? स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण को व्यंजन कहते हैं, जैसे क ख ग आदि, यानी जो स्वरण की सहायता से वर्ण बोले जाते हैं जिनमें स्वरों का प्रयोग होता है वो हमारे क्या होते हैं, व्यंजन होते हैं। और उच्चारण की दृष्टि से व्यंजन के तीन भेद हैं। फर्स्ट है हमारा स्पर्श व्यंजन, सेकंड है अंतःस्थ व्यंजन और थर्ड है ऊष्म व्यंजन। तो अगला प्रश्न है हमारा, अंतःस्थ व्यंजनों व्यंजन की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। उत्तर है, जिन व्यंजनों के उच्चारण में जीवा पूरी तरह मुख के किसी भाग का स्पर्श नहीं करती उन्हें अंतःस्थ व्यंजन कहते हैं, जैसे य र ल व, ये चार व्यंजन ही अंतःस्थ हैं। इसमें क्या है कि जो हमारी जीभ है मुख के किसी भाग को पूरी तरह से स्पर्श नहीं कर रही है, पूरी तरह से टच नहीं कर रही है। अगला प्रश्न है हमारा, स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं? जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है स्पर्श व्यंजन, तो जिन व्यंजनों के उच्चारण में जीवा मुख के विभिन्न भागों से स्पर्श करती है, यानी जो हमारी जीभ होती है मुंह के अलग अलग भावों को छूती है, स्पर्श करती है, उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। स्पर्श व्यंजन संख्या में 25 होते हैं, जैसे क वर्ग होता है क ख ग, च वर्ग होता है च छ, ट वर्ग त वर्ग, ये सारे प वर्ग हमारे स्पर्श व्यंजन होते हैं कि इसमें जीवा पूरी तरह से जो हमारी जीभ होती है वो स्पर्श करती है, इसलिए इन्हें स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। अगला प्रश्न है, ऊष्म व्यंजन किसे कहते हैं? इनकी संख्या कितनी संख्या होती है? उत्तर है, जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय वायु रगड़ खाकर निकलती है, अर्थात वायु एक प्रकार से ऊष्म सी होती है, उन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। ऊष्म का मतलब भी आप समझ रहे हो, गर्म यानी रगड़ खाकर वायु जो निकल रही है, जैसे श श स ह, इसमें क्या हो रहा है, वायु हमारे मुख से निकल तो रही है लेकिन कहीं से रगड़ खाकर निकल रही है, तो ये चार वर्ण ऊष्म वर्ण कहलाते हैं। अगला प्रश्न है, इन शब्दों के पृथक पृथक वर्ण लिखिए। जैसे पहला है हमारा यूनिवर्सिटी, तो यूनिवर्सिटी में आपको पता है यूनी के लिए यू बनाने के लिए पहले य हलन, फिर बड़ा ऊ आएगा तब यू बनेगा, फिर न, न के बाद न प्लस ई तभी छोटी इसकी मात्रा बनेगी, प्लस में व प्लस अ, व और अ से व बनेगा, व के नीचे हलन और उसके बाद है र और स से स बनेगा, प्लस ई और ट से और ई की मात्रा से वर्सिटी बनेगा। ठीक है बच्चों, और इसी तरह से और एग्जांपल हैं जिनको आप पढ़ सकते हैं, जैसे अमृतसर है, पंजाब है, मद्रास है, कश्मीर है। इसके अलावा अगला प्रश्न है हमारा, नीचे लिखे वर्णों के योग से बनने वाले शब्द लिखिए। जैसे र जमा आ जमा त जमा अ, तो इनमें द के साथ अ लगाया तो रा बन गया और त के साथ अ लगाया तो त बन गया, तो रात। और सेकंड है हमारा स जमा अ जमा त जमा अ जमा ल जमा उ जमा च जमा अ, तो इसमें स और अ से स, त और अ से अ त, और ल और उ से सतलुज, ज और अ से ज, तो ये आपका बन जाएगा सतलुज। और इसी तरह से और उदाहरण दिए गए हैं। इसके अलावा अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित वर्णों को जोड़कर शब्द बनाओ। तो पहला है हमारा ल जमा अ जमा त जमा आ, तो ल और अ से ल बना, प्लस में त और आ से ता बना, तो क्या बना, लता। और सेकंड है हमारा अ जमा ध जमा य प्लस आ प्लस य अ, तो ये हमारा बना अ और ध आधा बनेगा क्योंकि इसके साथ अ नहीं है, अधि आए य प्लस आ की मात्रा आ जाएगी और य अध्याय बन जाएगा। और इसी तरह से और उदाहरण दिए गए हैं। इसके अलावा अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित शब्दों को वर्णों में विभक्त करो। जैसे कि श्लोक, श्लोक को कैसे बनाएंगे हम, कैसे इसके भागों में अलग अलग भागों में बांटेंगे, श्लोक में श आएगा, श के नीचे हलंत आएगा, और ल आएगा, ल के साथ ओ की मात्रा आएगी तो ओ आएगा, प्लस में क आएगा और अ आएगा, तो ये श्लोक बन जाएगा। ऐसे ही हमारा ज्ञान है, ज्ञान कैसे बनता है, जैसे कि आपको पता है कि ये संयुक्त व्यंजन है, तो ज और न से ज्ञ बनेगा, प्लस में आ की मात्रा है तो आ, और उसके बाद न हलंत के साथ प्लस में अ, तो ये ज्ञान बन जाएगा। इसी तरह से हमारे और उदाहरण दिए गए हैं।
इसके अलावा नेक्स्ट है हमारा स्वर और व्यंजन में क्या अंतर है। उत्तर है स्वर, स्वर क्या होते हैं, स्वतंत्र अर्थात दूसरे वर्ण की सहायता के बिना बोले जाने वाले वर्ण को स्वर कहते हैं। स्वर वो होते हैं जो अपने आप में स्वर स्वतंत्र होते हैं और उसमें किसी और वर्ण की सहायता नहीं होती है और जिनको हम स्वतंत्र रूप से अपने आप बोल सकते हैं। इसके अलावा स्वर ऐसी ध्वनियां हैं जिनके उच्चारण में सांस की हवा, कंठ, जीभ, ओष्ठों की सहायता के बिना बाहर निकलती है, जैसे अ, ई, उ। तो इसमें हम होठों का प्रयोग नहीं करते हैं, जीभ का प्रयोग नहीं करते हैं और सांस की हवा का प्रयोग नहीं करते हैं। इसके अलावा व्यंजन जो होते हैं हमारे, जो वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें स्वर व्यंजन कहते हैं, यानी ये स्वतंत्र नहीं होते हैं बल्कि इनके उच्चारण के लिए हमें किसी की सहायता की आवश्यकता होती है और वो स्वर की सहायता से ही बोले जाते हैं तो उन्हें व्यंजन कहते हैं। इनके उच्चारण में सांस की हवा, कंठ, जीभ और होंठ आदि मुख के अंगों में रुकावट पैदा करते हैं, यानी इसमें हम जीभ का प्रयोग भी करते हैं, गले का, कंठ का प्रयोग भी करते हैं, होठों का प्रयोग भी करते हैं। जैसे ये क से लेकर ह तक सारे 33 व्यंजन हैं। अगला प्रश्न है हमारा, अनुस्वार और अनुनासिक में क्या अंतर है, सो उदाहरण स्पष्ट कीजिए। उत्तर है अनुस्वार। तो अनुस्वार जैसे कि मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, जिस ध्वनि के उच्चारण में सांस केवल नाक से निकले उसे अनुस्वार कहते हैं, यानी जब बोलने में केवल नाक का प्रयोग होता है तो उसे अनुस्वार अनुस्वार ध्वनि कहते हैं। अनुस्वार का चिन्ह बिंदु है उपर बिंदु, जैसे संत, गंगा, व्यंजन जो ऊपर बिंदी है तो उसे अनुस्वार कहेंगे क्योंकि इसमें केवल नाक का प्रयोग हो रहा है और हिंदी वर्णमाला में ण, ञ, ण, न, म अनुस्वार ध्वनियां हैं क्योंकि इन सबके जो चिन्ह है वो बिंदी है और जो ऊपर लगाई जाती है। इसके अलावा हमारा दूसरा है अनुनासिक। जब सांस की हवा कुछ तो नाक से निकल जाए और कुछ मुंह से निकले तो अनुनासिक स्वरों को बोला जाता है, यानी जब जो व्यंजन हम बोलते हैं उसमें नाक और मुख दोनों का प्रयोग होता है तो वो हमारे क्या होते हैं, अनुनासिक स्वर। और उसका जो चिन्ह होता है वो चंद्र बिंदु होता है, यानी चंद्र बिंदु में सांस का और जो होती है वो नाक और मुख दोनों से निकलती है। जैसे इसके एग्जाम्पल है आंख, चांद, माताएं, इसमें सब चंद्र बिंदु आ रहे हैं। हिंदी में अनुनासिकता अधिकतर दीर्घ स्वरों में ही होती है, यानी दीर्घ स्वर होते हैं उसी में ही अनुनासिकता होती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वर्णों के उच्चारण स्थान उनके सामने दिए कोष्ठकों में लिखिए। जैसे कि प है, तो प आपको पता है प को बोलने में हमारे ओष्ठ यानी होठों का प्रयोग हो रहा है तो ये ओष्ठ है। उसके अलावा न है, तो न हमारा न को बोलेंगे तो नाक से हवा निकलेगी तो ये नासिका का प्रयोग हो रहा है। इसलिए हमारे और भी उदाहरण दिए गए हैं, जैसे ठ है, इसमें मूर्धा यानी जीभ का, जीभ को मूर्धा से लगाया जा रहा है इसलिए ये ठ है। और उसके बाद ज है, ज में तालु का प्रयोग हो रहा है यानी जीभ जो है वो तालु को स्पर्श करती है। और इसी तरह हमारे और उदाहरण दिए गए हैं। इसके अलावा अगला प्रश्न है हमारा, टवक, पवक, कवक, तवक, वक की नासिका ध्वनियां लिखो। अब टवक हमारा ट, ठ, ड, ढ है, तो इसमें नासिका ध्वनि क्या होती है जिसमें नाक से हवा निकलती है, वो है हमारा ण, वो ण पे खत्म होती है। और पवक में क्या होता है, प, फ, ब, भ, म, इसमें क्या होता है, जो नासिका ध्वनि होती है जिसमें कि नाक से हवा निकलती है वो क्या होती है, म। और इसी तरह हमारे कवक और तवक के भी उदाहरण दिए गए हैं। अगला प्रश्न है, कंठ स्थान से बोला जाने वाला ऊष्म व्यंजन लिखो। और नेक्स्ट है, तो आपको पता है कंठ से क्या बोला जाता है ऊष्म व्यंजन, ह, जिसमें समय भी अधिक लगता है और तालु, और इसमें हवा स्पर्श करती है। और तालु स्थान से बोले जाने वाला एक अंतस्थ व्यंजन लिखो, तो तालु से आपको क्या पता है, जो जीवा होती है वो तालु को स्पर्श करती है, तो इसका उत्तर है य। अगला प्रश्न है, अयोग वाह किसे कहते हैं स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर है, स्वरों और व्यंजनों के अतिरिक्त हिंदी वर्णमाला में दो वर्ण और भी हैं, ये है अंग और अह, और अनुस्वार और विसर्ग ये दोनों स्वरों के बाद लिखे जाते हैं। जैसे कि आपको पता है अंग और अह दोनों अनुस्वार और विसर्ग के बाद लिखे जाते हैं और ये हमारी हिंदी वर्णमाला में है। स्वतंत्र गति न होने के कारण ये स्वरों की संख्या में नहीं आते क्योंकि ये स्वतंत्र नहीं होते हैं, ये किसी के साथ ही प्रयोग किए जाते हैं, इसलिए इनको स्वरों की स्वरों में नहीं गिना जाता है, इसलिए ये इसे क्या कहा जाता है, अयोग वाह कहा जाता है। तो इनको स्वर न कहकर इनका नाम अयोग वाह रखा है। न स्वरों के मेल से बनते हैं ये और ना ही व्यंजनों के मेल से बनते हैं।
फिर भी और ये ध्वनि उत्पन्न करते हैं, इसलिए ये क्या होते हैं, अयोग भाव होते हैं। अगला प्रश्न है, अक्षर की परिभाषा देते हुए हिंदी भाषा के प्रमुख अक्षरों के उदाहरण दीजिए। उत्तर किसी एक ध्वनि या ध्वनि समूह की उच्चरित न्यूनतम इकाई को अक्षर कहते हैं, यानी ध्वनि या ध्वनि का समूह होता है जो उच्चारण के समय और छोटी से छोटी जो इकाई होती है वो क्या होता है, हमारा अक्षर होता है। अक्षर केवल स्वर, स्वर तथा व्यंजन या अनुनासिकता सहित स्वर हो सकता है। दूसरे शब्दों में वह छोटी से छोटी इकाई अक्षर है जिसका उच्चारण वायु के एक झटके से होता है। जैसे एग्जाम्पल में आपके आ, जी, ये सब क्या, ये सब क्या है, एक झटके से हम इसको उच्चारण कर रहे हैं, एक झटके से बोल रहे हैं, तो हमारे ये सब क्या है, अक्षर है। और हिंदी अक्षरों के कुछ उदाहरण ये हैं, जैसे केवल स्वर के हैं वो है अ, आ, ओ, इनमें केवल स्वर का प्रयोग हो रहा है। और स्वर और व्यंजन के हैं, जैसे दोनों का प्रयोग हो रहा है तो अब इसमें स्वर भी है और व्यंजन भी, इसके साथ है आंख तो इसमें स्वर का भी प्रयोग हो रहा है और व्यंजन का भी। इसके अलावा है व्यंजन और स्वर, जिसमें न, इसमें व्यंजन और स्वर का प्रयोग हो रहा है, पहले व्यंजन है उसके बाद स्वर है। और खा, खा में भी पहले ख व्यंजन है उसके बाद आ की मात्रा है तो स्वर है। ऐसे ही आपके और एग्जाम्पल दिए गए हैं।